नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के आजाद मार्केट में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, इमारत में कई मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान मजदूरों के दबने की भी आशंका है। वहीं अब तक 4 मजदूरों को निकाल चुका है। इन सभी मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं इमारत गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन और अमला तुरंत वहां पहुंच गया। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ ही राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस इमारत गिरने कार्यों को पता लगाने में जुट गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 मंजिला इमारत गिरने के वक्त इतनी जोर से धमाका हुआ कि हर कोई घबरा गया। हर तरफ धूल का गुबार उड़ने लगा। हालांकि हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे को लेकर दमकल विभाग का कहना है कि दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में इमारत ढहने की जगह पर मलबे में 5 मजदूर फंसे हैं। इन्हें निकालने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पहले भी दिल्ली के औजंद गांव स्थित माया महल रिसोर्ट में हाई टेंशन लाइट हादसे में मजदूरों की मौत हो गई।